शाहिद अफरीदी ने तालिबान को लेकर दिया ऐसा बयान जिसको सुनकर आप भी हो जाएंगे हैरान। नमस्कार, मैं मोनाली पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज 28। जी हाँ, पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी और विवादों का पुराना नाता है, क्योंकि जहां पर विवाद ना हो वहां शाहिद अफरीदी का नाम आता ही नहीं है। वर्तमान में शाहिद अफरीदी एक बार फिर से विवादों में फंस चुके हैं और उनके इस विवाद में फंसने की वजह है अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे को लेकर दिया गया बयान। अगर ये बयान अफगानी क्रिकेटर मोहम्मद नबी और राशिद खान सुन ले तो शायद आग बबूले हो जाएंगे, क्योंकि ये एक सिर्फ बयान ही नहीं बल्कि अफगानिस्तानियों के दिलों पर छोड़ने वाला तीर है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, इस बात को समझने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि आखिरकार शाहिद अफरीदी ने क्या कहा। पाकिस्तानी पूर्व ऑलराउंडर क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने इस बार तालिबानियों की तारीफ की। उन्होंने इतना ज्यादा बोल दिया कि ये बयान उनके विवादों में फंसे रहने का कारण बन गया। तालिबान की तारीफ करते हुए वो बोलते हैं कि इस बार तालिबान महिलाओं को सपोर्ट करेगा, संघी महिलाओं को राजनीति में भी उतरने देगा। यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि तालिबान क्रिकेटर्स को भी सपोर्ट करेगा। श्रीलंका के हालात की वजह से इस बार सीरीज नहीं हुई, लेकिन तालिबान क्रिकेटर्स को फुल सपोर्ट करेगा। वहीं दूसरी ओर अगर ध्यान दें तो राशिद खान और मोहम्मद नबी ने तालिबान का किया था विरोध। अफगानिस्तान में तालिबानियों के कब्जे के बाद राशिद और नबी जैसे वहां के स्टार क्रिकेटर ने लगातार इसका विरोध किया और सोशल मीडिया के जरिए वर्ल्ड लीडर्स से इसमें दखल देने की अपील की। उन्होंने अफगानिस्तान में हुए ताजा बदलावों का विरोध किया। ऐसे में अगर शाहिद अफरीदी तालिबान के सपोर्ट में अपने मन की बात कह रहे हैं तो जाहिर है राशिद खान के दिल को ठेस पहुंचेगी।